खाने खाने उधर जी। कोई नहीं, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। दरअसल 20 साल पहले हम दोनों ने यहाँ मिलने का वादा किया था। आपको ये सुनकर अजीब लग रहा होगा ना? एक्चुअली मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बात जो है ना बिल्कुल सीधी सी है। दरअसल आज से 20 साल पहले यहाँ एक ढाबा हुआ करता था, प्रेम ढाबा। हाँ, वो 5 साल पहले तक भी यहीं था, पर उसे अब गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया? ठीक 20 साल पहले ऐसी रात में मैंने और जीवन ने इस ढाबे पर खाना खाया था। जीवन मेरा पक्का दोस्त और दुनिया का सबसे अच्छा आदमी, हम दोनों ही यहाँ एक साथ बड़े हुए। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब हमने 8वीं पास की ही थी और उसके दूसरे ही दिन मुझे दिल्ली निकलना था पैसे कमाने के लिए। जीवन को भी बोला था, लेकिन उसे यूपी कौन छोड़ा था। उसका मानना था कि दुनिया में यूपी ही रहने लायक जगह है। खैर, दूसरा रात हमने तय किया कि उस तारीख और उस समय के ठीक 20 साल बाद हम जहाँ भी हों, जैसे भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी दूर हों, हम यहाँ के मिलेंगे। हमारा विश्वास था कि हम चाहे जो भी हों, हम अपना लक ज़रूर बना लेंगे और पैसे भी कमा लेंगे। बड़ी दिलचस्प बात है, दो मुलाकातों में इतना समय लग गया। क्या जाने के बाद तुम्हारे दोस्त की कोई खबर मिली? हाँ, कुछ समय तक तो चिट्ठी का आना जाना लगा रहा, फिर 1 साल बाद हम दोनों ने एक दूसरी खबर लेना बंद कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली शहर बहुत बड़ा है और मैं पैसे कमाने की दौड़ में जुट गया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जीवन जिंदा है तो वो यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि जीवन जैसा सच्चा दोस्त और आदर्शवादी आदमी कोई नहीं, वो यहाँ ज़रूर आएगा। अगर वो आया तो मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा। दस बजने में 3 मिनट बाकी हैं। उस ढाबे के सामने से जब हम बिछड़े थे तब ठीक 10 बजे थे। लगता है दिल्ली ने तुम्हें काफ़ी सफलता दी है ना? ज़रूर ज़रूर, और मुझे आशा है कि जीवन को भी इससे आधी सफलता तो मिली होगी। आदमी अच्छा था, लेकिन था कोलू का बैल। दिल्ली में मुझे काफ़ी मक्कारों और कमीने लोगों का सामना करना पड़ा, यहाँ यूपी में तो आदमी ढर्रे में ही पड़ जाता है। वैसे एक बात कहूँ, अगर अपने शौक पूरे करने हो तो आदमी को दिल्ली जाना ही चाहिए। चलो ठीक है, मैं अब घर जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दोस्त समय पे आ जाएगा। क्या तुम ठीक 10 बजे तक उसका इंतजार करोगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आधे घंटे तक और रुकूंगा। अगर वो जिंदा है तो ज़रूर आएगा और हम मिलेंगे। कौन? बॉबी? जीवन, तू सचमुच बॉबी है? हाँ मेरे दोस्त, खूब मिले यार। मुझे पता था कि तू अगर जिंदा होगा तो मुझसे मिलने जरूर आएगा। आना ही था यार, 20 साल बाद, कितना लंबा अरसा होता है ना। अब तो वो ढाबा भी नहीं, काश वो ढाबा होता तो हम लोग वहीं बैठकर खाना खाते।
खैर तुम ये सब छोड़ो, दिल्ली में तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा हुआ? दिल्ली की बात ही क्या है यार, जो चाहा था हो पाया। लेकिन यार तू मुझे एक दो इंच कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है। वो क्या है ना कि जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरी लंबाई कुछ ज्यादा बढ़ गई। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि दिल्ली में तुम्हारी गाड़ी कैसी चल रही है? सिंपल है यार, एक दुकान में नौकरी करता हूँ, बस ये सब चल रहा है। जीवन क्यों ना किसी दूसरी जगह चलते हैं, बैठकर वहां पुराने दिनों की बात करते हैं। चलो। दिल्ली में अच्छा लगा, और तुम बताओ? कौन हो तुम जीवन नहीं हो। इतना भी लंबा समय नहीं बीता कि उस नुकीली पतली नाक को मोटी और चपटी बना दे। सच कह, लेकिन इतना समय एक सज्जन को दुर्जन बना सकता है। पिछले 10 मिनट से तुम मेरी हिरासत में हो, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को शक है कि तुम इसी शहर में मिलोगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो, जरा भी होशियारी मत करो। और ये लो चिट्ठी, ये तुम्हारे दोस्त यानी सब इंस्पेक्टर जीवन ने दी है, जब तक पुलिस स्टेशन आए तब तक इसे पढ़ लो। ये बॉबी, वादे के अनुसार मैं सही समय और नियत स्थान पर उपस्थित था। सिगार सुलगाने के लिए तूने माचिस जलाई, तब मैंने देखा कि ये चेहरा तो वही है जिसकी तलाश में यूपी पुलिस कई दिनों से परेशान है। ना जाने क्यों मैं खुद ये काम नहीं कर सका, इसलिए थाने जाकर एक खुफिया को ये काम करने के लिए भेजा। तुम्हारा दोस्त जीवन। श्रीमान, क्या चल सकते हैं अब?